हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक दिन में अगर आप मसल बिल्डिंग या फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको एक दिन में कितनी मील्स कंज्यूम करनी चाहिए अपना गोल अचीव करने के लिए। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा इस वीडियो में। जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, मैं आपके साथ सारी शेयर करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कोई भी अगर हम अपना फिटनेस से रिलेटेड कोई भी गोल अचीव कर रहे हैं, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो या फैट लॉस हो या चाहे वेट लॉस हो, तो तीनों में यहाँ पे जो सबसे कॉमन होता है, एक तो होती है हमारी एक्सरसाइज और दूसरी होती है हमारी डाइट। तो यहाँ पे डाइट का हमारा बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब भी हम अपने गोल अचीव कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा डाइट बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। चाहे अगर हम कितनी भी अच्छी वर्कआउट कर लें या कुछ भी कर लें, अगर हम अच्छी डाइट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा मसल बिल्डिंग या फैट लॉस या वेट लॉस जो भी गोल होगा वो हमारा अचीव नहीं हो पाएगा, सिंपल है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब भी आप कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर हम वेट लॉस की बात करें, वेट लॉस और फैट लॉस दोनों की अगर बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि सब लोग बोल देते हैं कि आपको खाना छोड़ देना चाहिए। तो ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी ये मिथ क्लियर करा था। ये मिथ होता है काफ़ी बड़ा कि सबसे बड़ी बात ये कह रहे थे कि आप खाना छोड़ दीजिए। तो भैया जब खाना छोड़ देंगे, आप खुद सोचिए, अगर आपके बॉडी के अंदर खाना नहीं जाएगा और जो फैटी लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो होता है, तो उसको फास्ट करने के लिए उनको ज़्यादा मील कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा मील कंज्यूम करेंगे तो तभी उनका फैट लॉस होगा, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। तो वही उनको फास्ट करने और वो उसको और स्लो कर दे रहे हैं, खाना स्किप करके, खाना छोड़ करके, तो उनका जो गोल है और डिले होता रहता है इसी कारण। और यही कारण होता है कि वो अपने गोल जल्दी अचीव नहीं कर पाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उदास हो जाते हैं और जिम छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कुछ असर नहीं मिल रहा है, जो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और जो वो फॉलो इस तरह से कर रहे हैं कि आप सोचिए कि जब वो मील स्किप कर दे रहे हैं लोगों की बातों में आने से, आप भी अगर ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो अपने मील स्किप कर दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, ये बिल्कुल मत करिए। अपने मील स्किप बिल्कुल मत करिए, मील आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं आप ही मसल बिल्डिंग की। अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें भी मील आपके बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। मसल बिल्डिंग में तो आपको और ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है अपने मील को लेकर के। आपको क्वालिटी का खाना खाना होता है दोनों ही चीज़ में, चाहे मसल बिल्डिंग हो या फैट लॉस हो, आपको दोनों में क्वालिटी का खाना खाना होता है। क्वालिटी माने जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं कि क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं मसल बिल्डिंग अगर कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि जो भी आ रहा है सब उसको खा डालें अंदर, बस जल्दी जल्दी अंदर डालें और उनका साइज़ बहुत जल्दी बढ़ेगा। वो बात ठीक है, साइज़ बढ़ेगा उनका, लेकिन वो सही वाला साइज़ जो कहते हैं ना, गुड क्वालिटी, वो उनके बॉडी में क्वालिटी नहीं नजर आएगी, उनके बॉडी में केवल और केवल फैट बॉडी बॉडी में उनके। तो फ्रेंड्स ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में जरूर रखना है कि अगर आप साइज गेन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको क्वालिटी का खाना खाना है, ना कि आपको कोई भी ऐसी उल्टी सीधी चीजें खाने हैं जिससे आपके अंदर फैट स्टोर हो। आपकी बॉडी में क्वालिटी के जो भी आप मसल्स हैं वो क्वालिटी के मसल्स हैं, आपकी बॉडी में फैट स्टोर बिल्कुल भी ना हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको कितनी मील्स कंज्यूम करनी है, मेन टॉपिक यहाँ पे ये आता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो भी गोल है उन पे यही डिपेंड करता है। जब अगर आप जिम कर रहे हैं और फिटनेस से जुड़े हैं तो आपको मील्स तो आपको ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी। कितनी वो मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ। अराउंड आपको जैसे कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो फिर भी आपको चार चार मील तो आपको कंज्यूम करनी ही है दिन के। अगर आप तीन करते हैं तो आपको चार से पाँच कंज्यूम करनी ही करनी है। वो क्यों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर आपको फिट भी रहना है और आपको एक बॉडी में हेल्दी ऑर्गन्स वगैरह अपने सारे बॉडी को मेंटेन रखना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर खाना भी देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं आपको कि केवल बस पूरे दिन रोटी चावल सब्जी यही खाना है, आपको आप एक्स्ट्रा भी चीज़ें दे सकते हैं बॉडी को, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, सैलेड हो गया, और भी जो भी फ्रूट्स हो सकते हैं वो सीजनल फ्रूट आप वो खा सकते हैं, और जैसे कि बाकी आप कुछ भी स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें। बस आपको ये कंज्यूम कर कोशिश रखना है सॉरी कि आपको चार बार खाना ही खाना है, एक दिन में खाना चार बार खाना ही खाना है। तो उससे अगर आप कम खाएंगे तो भी आपके लिए नुकसान ही है। अब आप एडजस्ट करिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो उसके हिसाब से भी अपना ध्यान रखिए कि आप उस टाइम फ्रूट्स कंज्यूम करें। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके पास, बनाना रख लीजिए, एप्पल रख लीजिए काट करके, उसको तुरंत कंज्यूम कर लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको सब्जी और ये सब खाने में ज़्यादा टाइम लगता है तो फ्रूट्स रखिए, उसको कंज्यूम करिए, उससे आपका टाइम बचेगा और आपका स्टमक भी फुल रहेगा। मेन इसमें गोल यही होता है कि आपको अपना स्टमक फुल रखना होता है थोड़ा सा, कि आपके पेट में बस वो खाली ना रहे आपका पेट, यही चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए करना है। तो उसमें क्रेविंग मोड भी चला जाता है, अगर आपका पेट खाली रहता है तो जो भी आप देंगे वो पूरा का पूरा आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट लग ही जाएगा। और बात यहाँ पे ये होती है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी फास्ट रहेगा आपका,
तो आपके बॉडी में सब कुछ सही रहेगा, आपका फैट लॉस और मसल गेन जो भी आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर अब हम बात करें यहाँ पे मसल बिल्डिंग के लिए, तो मसल बिल्डिंग के लिए हमको कितनी मील्स खानी चाहिए? मसल बिल्डिंग के लिए हमको अराउंड 5 to 6 मील एक दिन में कंज्यूम करनी चाहिए। यह बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप केवल 2 बार 3 बार खाएंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप अपना पेट भरने के लिए खा सकते हैं, एक आध बार चलता है संडे को, जैसे कि आप इंजॉय करें कुछ करें तो उस टाइम आप 3 4 बार खा सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, अपने ये रेगुलर रूटीन है। अगर आपका सीरियस गोल है मसल बिल्ड करना और प्रॉपर साइज पुट ऑन करना अपनी बॉडी पे, अच्छे खासा दिखना, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर मील कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी इसमें भी फास्ट हो रहा है, तो हम फैट भी बर्न कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात तो है, लेकिन आप साथ साथ मसल बिल्डिंग के लिए भी तो फूड खा रहे हैं, ये भी तो देखिए, आप प्रोटीन क्वालिटी का ले रहे हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं अच्छे खासे सोर्सेज से, फूड से, और आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी मसल डैमेज होगी, तो उसको क्या चाहिए? क्वालिटी का फूड चाहिए। मसल्स के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन, वो आप अपनी डाइट से देंगे। तो डाइट आप कंज्यूम करेंगे अच्छी खासी, आपके मसल्स के अंदर जाएगा और रिकवर होगा, और जो भी आपका प्रोसेस है सारा का सारा, ये रात के टाइम होगा, जो भी मसल बिल्डिंग या फैट लॉस जो भी है वो आपका रात के टाइम होगा, जो भी बॉडी की रिकवरी होती है। तो आपको इसमें मसल बिल्डिंग है तो इसमें आपको 5 से 6 बार अपने मील कंज्यूम करने हैं, और ओवरडोज नहीं करना है कोई भी मील को, आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रखना है। 5 से 6 मील, 6 मील का मतलब आपको ओवरडोज करके नहीं खाना है, आपको एक क्वांटिटी में रखना है कि आप एक बार में इतना खा सकते हैं, वो आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी। आपको 2 3 दिन अजीब लगेगा, फिर उसके बाद आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी कि हाँ आपको इतना इतना इस टाइम पे खाना है। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की वीडियो, मैंने इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि एक दिन में कितने मील कंज्यूम करने हैं, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, वेट लॉस हो या फैट लॉस हो, तो ये चारों चीज़ों में आपके इसी हिसाब से आपको मील कंज्यूम करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि मील आपको स्किप नहीं करना है, मैं हर वीडियो में यही बात बोलूंगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ।